हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू वंस अगेन ऑनलाइन व्हाट्सएप क्लासेस इन जनसेवा इंटर कॉलेज फुलवारी सोनभद्र। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो पहला अप्रोच का आप लोगों का लेसन है, ए गर्ल विथ ए बास्केट, विलियम सी डगलस का, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट यूपी बोर्ड को टच करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे। आपको पता है कि यूपी बोर्ड में 60 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 2 में से 1 करना है, 4 नंबर का होता है, और एक फिलिंग दी ब्लैंक्स आता है वोकैबुलरी के अंतर्गत, 4 नंबर का, दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अतिरिक्त एक्सप्लेन विथ रिफरेंस तो आता ही है, तो हम फोकस करेंगे 60 क्वेश्चंस ए गर्ल विथ ए बास्केट। देखें, ये 60 क्वेश्चंस है, बहुत ही बहुमूल्य क्वेश्चन है, इन्हें लिख लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज आथर गोइंग, तो आपको पता ही होगा, पढ़े हैं अच्छे से, तो आथर विलियम सी डगलस वाज गोइंग टू बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। तो पहले बरेली ट्रेन से जा रहे थे, इसके बाद उनको बरेली से फिर कार द्वारा रानीखेत स्थान पहुंचना है। क्वेश्चंस नंबर 2, राइट इट। हु वेयर दीज चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स, स्टूडेंट देखें, हु वेयर दीज चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स, जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे ये कौन थे, तो इसका आंसर आप अच्छे से दे लेंगे, दीज चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये जो बच्चे थे ये शरणार्थी बच्चे थे, रिफ्यूजी चिल्ड्रेन थे। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान मैनी पीपुल केम टू इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय बहुत से लोग भारत आ गए पाकिस्तान छोड़ करके। दीज चिल्ड्रेन वेयर सन्स एंड डाटर ऑफ दीज रिफ्यूजीज, यही जो बच्चे हैं इन रिफ्यूजी शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां हैं, करेक्ट। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, हु वेयर सेलिंग बास्केट एंड व्हाई, हु वेयर सेलिंग बास्केट्स एंड व्हाई, तो द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वेयर सेलिंग द बास्केट्स बिकॉज दे वेयर वेरी पुअर एंड वॉन्टेड टू अर्न मनी फॉर देयर लिविंग, ये जो शरणार्थी बच्चे थे वो टोकरियाँ बेच रहे थे क्योंकि बहुत ही गरीब थे और उन्हें अपनी जीविका के लिए कुछ धन कमाना था, धन कमाना चाहते थे, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। Why did the refugee children descend like locust on the author? ये जो शरणार्थी बच्चे थे लेखक पर चढ़ाई एक टिड्डियों की तरह क्यों किए? The refugee children descend like locust on the author, ये बच्चे आखिर लेखक पर क्यों चढ़ाई किए, क्या चाहते थे, आंसर चेक करें। रिफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन द आथर बिकॉज दे वॉन्टेड टू सेल देयर बास्केट्स, ये जो शरणार्थी बच्चे थे टिड्डियों की तरह लेखक पर चढ़ाई किए क्योंकि वे अपनी टोकरियों को बेचना चाहते थे। एंड आथर वाज एन रिच अमेरिकन लुक्स मोस्ट प्रमाइजिंग मार्केट, आथर एक धनी अमेरिकन व्यक्ति था जो कि बड़ी ही अच्छा खरीदार का व्यक्ति दिख रहा था, इसीलिए ये सारे बच्चे लेखक को चारों तरफ से घेर लिए अपनी टोकरियों को उसे बेचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट फोर्स्ड द राइटर टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट्स, वो जो लिटिल गर्ल्स थी वो उसे लेखक को उसने उस लेखक को किस प्रकार से फोर्स्ड माने विवश किया खरीदने के लिए अपनी टोकरी को। व्हाट फोर्स्ड द राइटर टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट,
राइटर कैसे विवश हुआ उस लड़की के टोकरी को खरीदने के लिए, आंसर चेक करें। द लिटिल गर्ल रिटर्न्ड द ग्रेच्युटी मनी टू द आथर सो ही फोर्स्ड टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट। मतलब वह जो छोटी बालिका थी, वह जो दान स्वरूप धन दिया गया था लेखक द्वारा, उसे वो पूरे रकम को लेखक को वापस कर दी, इसीलिए यहाँ पर लेखक फोर्स्ड हुआ, विवश हुआ कि उसकी टोकरी को खरीद ले। अच्छा क्वेश्चन है। द लिटिल गर्ल रिटर्न द ग्रेच्युटी मनी टू द आथर सो ही फोर्स्ड टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, वाई डिड मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया, लाखों लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत क्यों चले आए। बाई द फियर ऑफ रिलीजियन फैंटेसिज्म, माने धार्मिक उन्माद जो उस समय फैला हुआ था, उसी के भय से लाखों लोग पाकिस्तान को छोड़कर के इंडिया आ गए। कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वेंडर ड्रिव द आथर्स अटेंशन मोस्ट, लेखक के ध्यान को कौन सी वेंडर सबसे ज़्यादा आकर्षित की, अपनी तरफ खींची। इसका आंसर देखें, द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ नाइन ड्रिव द राइटर्स अटेंशन मोस्ट। वह छोटी जो परिश्रमी और आक्रामक विक्रेता थी, जो कि सुंदर एक लड़की 9 वर्ष की वह छोटी सी बालिका जो थी, उस लेखक को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित की कि हमारी भी टोकरी को खरीद लिया जाए। तो ये क्वेश्चन से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड में काफ़ी आते हैं ये सब प्रश्न। इसके अतिरिक्त ए गर्ल विथ ए बास्केट का स्टूडेंट एक क्वेश्चन जो फिलिंग दी ब्लैंक से 4 नंबर का आता है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए क्या भरा जाएगा, द पीपुल ऑफ इंडिया हैव खाली स्थान फॉर इंडिपेंडेंस। क्या भरेंगे इसमें, होप भरेंगे, पैशन भरेंगे, हेट्रेड भरेंगे, ग्रेटिट्यूड। ये पहले भी प्रश्न बताया जा चुका है। द पीपुल ऑफ इंडिया हैव ए पैशन, उनके अंदर एक भावना होती है इंडिपेंडेंस का, पैशन भरेंगे। नेक्स्ट, दीज वेयर चिल्ड्रेन, कौन से बच्चे थे, रिच पुअर रिफ्यूजी अनेस्ट। तो आपके बुक के मुताबिक यहाँ पर रिफ्यूजी भरेंगे, दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एन अमेरिकन वाज द मोस्ट प्रमाइजिंग मार्केट दे हैड सीन। जो बच्चे देखे थे हमें, जो अमेरिकन व्यक्ति था, वो डाउटलेस निस्संदेह ही एक खरीदार का व्यक्ति बन गया था। मोस्ट प्रमाइजिंग मार्केट, यानी यहाँ पर डाउटलेस भरेंगे, निस्संदेह। तो स्टूडेंट, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।